हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएनएल। अभी हम देखेंगे नाग मिसाइल एंटी टैंक गार्डेड मिसाइल के बारे में। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड यूपीएससी में जीएस पेपर 3 में कवर अप होगा, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में कवर अप होगा। सो बेसिकली इसका जो फाइनल यूजर ट्रायल जो है, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, ओके, इसको जो है ये जो कि इसका जो टेस्ट है सक्सेसफुली हुआ है, कहाँ पे ना, पोखरण रेंज इन द थर्ड डिजिट राजस्थान में। ओके, सो इसको डेवलप करने वाला कौन है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है। एंड फीचर्स देखेंगे, नाग मिसाइल जो है डेवलप्ड किया गया है फॉर द स्ट्राइक एंड न्यूट्रलाइज द हाई फोटाइल जो कि 45D एनिमी टैंक्स को। एंड इट ऑल्सो नाइट द स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, इसमें नाइट में भी ये स्ट्राइक कर सकता है। सो ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से, ठीक है, ये जो मिसाइल सिस्टम से, इट कैन बी स्ट्राइक एंड न्यूट्रलाइज आर्मोर्ड व्हीकल सच एज टैंक्स को। इसका जो मैक्सिमम रेंज है 500 मीटर्स एंड जो कि ओके, सो मिनिमम रेंज इज 500 मीटर्स एंड मैक्सिमम रेंज इज 4 किलोमीटर्स। थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, जो कि फॉरगेट कैटेगरी सिस्टम में, नाग यूजेस एन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर्स टू लॉक ऑन टारगेट बिफोर द लॉन्च। In the tough attack mode, the missile is required to climb sharply after the launch and travel at a certain altitude, then the plunge on top of the target. In the direct attack mode, the missile travels at a lower altitude, directly striking the target. It has a capability to defeat main battle tank equipped with the composite and the reactive armor. Nag missile carried जो कि ये कैरे जो कि है NAMICA नाग मिसाइल कैरियर इज ए रशियन ओरिजिन BMP-2 बेस्ड सिस्टम विथ एम्फीबियस कैपेबिलिटी है। ओके, BMP जो कि 2 इज ए मैकेनाइज इंफ्रारेड जो कि फाइटिंग व्हीकल्स है। ये वर्जन ऑफ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स DRDO इज करेंटली फाइनल स्टेज है इसका, जो कि डेवलप ऑन द हेलीकॉप्टर लॉन्चर वर्जन ऑफ द नाग। इसको क्या बोलते हैं ना, हेलिना बोलते हैं। हुई है जो अंडरगॉन द सक्सेसफुल टेस्ट वर्क 2018 में। सिग्निफिकेंस क्या है, विद द फाइनल यूजर ट्रायल नाग विल एंटर द प्रोडक्शन फेज। मिसाइल्स विच बी प्रोड्यूस बाय द जो कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU भारत डायनेमिक लिमिटेड, वेयर इज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मैडक विल प्रोड्यूस द नामिका। So this means that the Indian Army will no longer to have import this weapon from the जो कि इजराइल से नहीं लाएगा, इजराइल और द USA से नहीं लाएगा, जो कि इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग होगा। सो इट वॉज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिबल एंटी टैंक वेपन्स दैट इंडिया हैड टू बाय द अराउंड 200 पीस ऑफ द स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स फ्रॉम द इजराइल एन एमरजेंसी परचेस में। आफ्टर द जब जो हुआ था चाइना एंड इंडिया का जो है एग्रेशन जो कि चल रहा था, तो उस टाइम में लिया था। सो फर्दर आर्मी इज करेंटली यूजिंग द सेकेंड जनरेशन मिलान 2T एंड कनकोर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स एंड हैज लुकिंग फॉर अबाउट द थर्ड जनरेशन मिसाइल। दिस जो टेस्ट हुआ है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टॉपिंग एडवांस एनिमी टैंक्स। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।